Sit down, baby. Sit down. Okay. अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो। बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा, तू अपने हाथ से खाएगी, तेरा पेट तो भर जाएगा। तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही है? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए, हो जाए। डमरू, तू भी? मैं आदमी नहीं, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुक्मनी, देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना, बच्चे जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू, दे ताल। अरे गिर गया ऊपर से। भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले नाच पीटे। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? जाजे, हाँ बड़े जी चाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गए। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आए पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी बांका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। सेठ जी, आप भी खूब हैं। आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शिविंग सूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। डमरू, बिशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ। अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू, हाँ जी, सबको नाश्ता वास्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पीएंगे? ना 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 नगंडा ना, जाने दे जाने दे। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। क्या करते रहते हो, कैसे पैकिंग किया है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरे पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हा? आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं, अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता। पूजी, हम नहीं जाएंगे, समझाइए ना बड़े पापा को, काम ही जंगल में भेज रहे हैं। पूजी, तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। कथा, बड़े पापा प्लीज। बेटा, बिट्टू, बूजी। आना सफर और ये मौसम हसी। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? ओ, अगर पहले पता होता तो एक साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो, मैं साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो डर है कहीं सुंदर नगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा लगा देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की,
लेकिन छोटी नहीं रह सकी। धनो बातें करने को बहुत टाइम पड़ा है, पहले जीप में से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू, चल चल चल। विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खाली हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी, ये धनो है, भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धनो, हाँ? ये डमरू है। बीबी जी, ये पछता भी है, ये सिर्फ नाम का डमरू है। ये खबरदार, मेरा मजाक उड़ाए ना। डमरू, वहाँ क्या पापा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ड्राइवर नहीं है जी, इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओ, तेरे साहब ने हिफाजत के लिए भेजा है। अच्छा, इनके रहने का बंदोबस्त कर। अच्छा जी, अच्छा, चल बिट्टू। हाँ। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करंट लगता है कि नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। हाय, सत के जावा, फटके जावा। कालो। हाँ जी। और जा, चालू बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान में कोने वाले कमरे में, और सामान हमारे पास वाले कमरे में, ड्राइवर जी के सामान में। हाँ जी, बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए, आइए। ये फास्ट ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सबके जावा, तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है। ये क्या कर रही हैं आप? ये डमरू कहाँ चला गया? मेरा निक दिया तोता है, देखो किंज खिलौता है। तू डर गई? आ जाओ, डराता हूँ मैं। सच्ची? जा जा you
ठीक है अबू जी। सब के जावा, जरा सीढ़ी लगाकर मुंडेर से मेरी चोली तो उतार देना। कल बंदर चुराने गया था। यहाँ के बंदर चोली चुराते? पहाड़ों के बंदर ऐसे ही होते हैं जी। कैसे होते हैं जी? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं तो ना धोके आया ओ राम जी, तावल भी साथ लाया, शर्ट भी पहन के आया हो। मेरी पैंट किधर है वो राम जी, पतलून किधर है वो राम जी। ये सुंदर नगर तो कमाल की जगह, यहाँ तो खुलेआम चोरी हो जाती है। यहाँ के बंदर तो चोलियां उठा के ले जाते हैं, कहीं मेरी पैंट तो नहीं उठा के ले गए। मेरी पैंट किधर है वो राम जी। डमरू रुक यार, ओए मेरी पैंट कहाँ? तू तू भाग 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 भाग। जानो कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? तो मेरे पैंट के साथ क्या कर रही है? टाका लगा रही है। टाका लगा रही है, टाका फंसा रही है। हाय सदके जावा। देख दंडू मेरे से मजाक मत कर, मुझे काजल मैम सबके साथ डिनर लेने जाना है, समझे? आई एम ऑलरेडी टॉयलेट, टू लेट। घर का गर्मा गर्म खाना छोड़ के होटल का ठंडा खाना खाएगा क्या सदके जावा? अरे अरे अरे, 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 अरे,